कि हमारे पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं, हमारा झंडा नहीं, हमारा झंडा नहीं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने ना इंसाफी की। हम नाराज हुए, बहुजन समाज पार्टी में चले गए, बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत बन गई, बहुजन समाज पार्टी ने ना इंसाफी की। हम नाराज हुए, कांग्रेस पार्टी में चले गए, क्योंकि हमारा अपना कोई घर नहीं। हम इस तरीके से सियासी आवारा कौन बन गए, जिसके पास घर पे होता है कभी बार कभी बार उसको लोग आवारा बोलते। तो हम एक सियासी आवारा कौन बन गए उत्तर प्रदेश में। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, आज यही वजह है कि हम दोनों का शिकार है, और यही वजह है कि आज आप हैदराबाद के अंदर आजादी के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे। जब हम हैदराबाद आते हैं और जब हम एयरपोर्ट से उतर करके आपके शहर में आते हैं, तो खुदा की कसम हमको ऐसा लगता है कि हम अब आजाद हुए हैं। आपने यहां पर फिलिस्तीन को लेकर के प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, क्या हिंदुस्तान के किसी और कोने में एहतजाज हुआ था आपसे पहले? 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश में तमाम मजहबों फिक्र का मदरसा उत्तर प्रदेश में, सबका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में, दारुलूम देवबंद उत्तर प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कोई प्रोटेस्ट हुआ उन मजलूमों के खिलाफ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमसे कहा गया, अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। हम खामोश हो गए। अभी 11 महीना जेल में जाने से बेहतर अपने घरों में बैठ के दुआ कर लिए। अगर हमारे पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म, सियासी ताकत होती, हमारे दस एमएलए होते, तो हम भी बैठ करके प्रोटेस्ट कर सकते थे। लेकिन नहीं, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कहा था कि आज जो लोग हमारी सरकार बनेगी, हम जंगल पर पाबंदी लगाएंगे। आपकी सरकार राजस्थान में भी जुनाद और नासिर को जिंदा जला दिया गया, तुम्हारा कोई नेता नहीं पहुंचा, ना सलाम से कोई शेरवानी दाढ़ी और टोपी पहुंची, कोई नहीं पहुंचा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सड़क से लेकर के सांसद तक, दादरी से लेकर के भाभी तक, अगर कोई लीडर है जो दबे कुचले मजलूमों की आवाज है, तो उस लीडर का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस लीडर का नाम सोनिया गांधी नहीं है, उस लीडर का नाम अखिलेश यादव नहीं है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर संदीप रोशन साहब। 2012 से 17 के बीच में समाजवादी की हुकूमत में, जिन्हें मुसलमानों की हुकूमत के लिए आजाद में बेटी की बेटी के साथ विवाह की इज्जत टूटी गई। उत्तर प्रदेश में 45 एमएलए मुसलमान थे, कितने? 45 एमएलए मुसलमान थे समाजवादी के, 18 बीएसपी के। उसमें आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और सभी उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग रहेंगे। 26 तारीख को भी इंशाल्लाह उठाना हमें बड़ा प्रोग्राम इन लोग करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की हाजिरी चाहिए। आप लोगों को जागरूक है, आप बेदार है, हमें बेदार नहीं करना है, जो नीचे सो रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में यहां रहने वाले हमारे कुछ भाई है जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कांग्रेस की तारीफ। उसके बाद भी मैं उनसे मिलूंगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 26 तारीख के बाद पूरा उत्तर प्रदेश जो हैदराबाद में रहता है, पूरा बिहार जो उत्तर हैदराबाद में रहता है, यानी जो नॉर्थ इंडियन हैदराबाद में, इंशाअल्लाह अल्लाह मुत्तहिदा तौर पर मजलिसी उम्मीदवार को वोट डालेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक अपील है, मेरी आपसे एक अपील है और मुझे आपसे एक शिकायत भी है। हमारे लोगों ने हमसे शिकायत की कि शौकत भाई, हम लोगों को परेशान किया जाता है और कहा जाता है तुम लोग साले कहां कहां से आकर के
यहाँ पर जो है बैंड डाल दिए, ये कर रहे वो कर रहे, सुन लो मस्जिद इत्तेहाद उल मुस्लिमीन एक परिवार है, एक फैमिली है, आप भी इस फैमिली का हिस्सा है, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूं, तो हम एक है, हमने सारी रियासतों को जोड़ दिया है मस्जिद के झंडे से, तो हम सब एक परिवार है, एक फैमिली है, एक खानदान है, और वो खानदान क्या है, वो मस्जिद इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की है, तो हमारा इमाम शाफी कौन है, वो मैं आपसे अपील करता हूं कि आने वाली 30 तारीख को आपके तेलंगाना असेंबली में 119 से मिलने में टॉप का रिकॉर्ड किसका है? किसका है? आप धीरे से बोले, जोर से बोलिए, तो सबसे टॉप पे किसको जीतना चाहिए ज्यादा होते से? तारीख को वोट डालने के लिए आपका हथियार है, अगर वोट नहीं डालोगे तो तुम्हारे हथियार